आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसको लिखा है मेरे लेखक साथी दीपक मशाल ने। दीपक जी उत्तर प्रदेश के कौंच के रहने वाले हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उच्चतर शोध शिक्षा पूर्ण करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के सिलसिले में पहले पेरिस शहर में और अब कोलंबस ओहायो अमेरिका में कार्यरत हैं। दीपक जी की रचनाएं, कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए अब की बार सुनते हैं दीपक जी की लिखी हुई कहानी जंगल का कानून। कत्लेआम के आरोप में बंदी खरगोश कटघरे में खड़ा था। भेड़िये, लकड़बग्गे, लोमड़ी, सियार उसके खिलाफ अपनी अपनी गवाही दे चुके थे। प्रतिवादी वकील ने उनकी गवाही के प्रतिकूल अपना तर्क अदालत के सामने रखा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो मांसाहारी ही नहीं है, उसके दांत मेरी इस बात का गवाह है। लेकिन सरकारी वकील ने उसकी बात काटी। सवाल शाकाहारी या मांसाहारी होने का है ही नहीं मिलॉर्ड, हत्याखोरी का है। मेरे काबिल दोस्त ने इसके दांतों की बनावट को इसकी बेगुनाही का सबूत बताया है, लेकिन आप इसके पैने नाखून देखिए, क्रूरता से भरे इसकी आंखों के स्थायी लाल डोरे देखिए। पुलिस की आहट से चौकन्ना रहने के अभ्यस्त हर दिशा में घूम सकने वाले इसके बड़े बड़े कानों को देखिए और हादसे को अंजाम देकर पल भर में ही मौकाए वारदात से गायब हो सकने में सहायक बला की फुर्ती को देखिए। ये कहकर सरकारी वकील ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की सिफारिश अदालत से की। उसके द्वारा पेश सबूत और जंगल के प्रभावशाली गवाहों के बयानों पर अदालत ने गंभीरता से विचार किया। जंगल में अमन चैन को जारी रखने के मद्देनजर उसने खरगोश को सजाए मौत सुनाई और वहीं पर अपनी कलम तोड़ दी। देखा दोस्तों, ये था जंगल का कानून, जहां पर आप कुछ एक तर्क देकर सच्चाई को छुपा सकते हैं। दीपक जी की इस कहानी से आपको आज के लोकतंत्र को भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसी के साथ अपने साथी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।